गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड ही हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो हमेशा देखा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम इनके बारे में चर्चा करें। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनका की जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल कहाँ पे है? तो इनका जन्म स्थल है कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम सुशोधन है, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक। इनकी माता का नाम महामाया देवी है, जो कि कोलीय गणराज्य की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो किस गोत्र के थे? गौतम। ठीक। इनका पालन पोषण किसने किया है? तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि कौलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक। इनके सारथी का नाम चन्ना था। इनके घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। इनके ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या है? तो गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया बिहार में है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश स्थल कहाँ पे है? तो ऋषि पत्नम। ठीक। जिसे का सारनाथ कहा जाता है, जिसका की पुराना नाम ऋषि पत्नम था। इनके शिष्य का क्या नाम था? तो आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल, इन्होंने धर्म का प्रचार किस किस स्थल पे किया गया? इनके धर्म का प्रचार तो शाक्य में, काशी में, मगध में, अंग में, मल्ल में, वज्जी में, कोसल में और कोसल राज्य में। ठीक। अब जीवन का अंत, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे कि हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक। अब हम देखेंगे कि जो बौद्ध संगतियां हुई थी, चार बौद्ध संगतियां हुई थी, उनके क्रम देखेंगे और किस वर्ष हुई थी, किस स्थान पे हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहला, प्रथम जो बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति किस वर्ष हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला शोक के शासनकाल में हुई थी। अब हम आते हैं तृतीय बौद्ध संगति पे। तो तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली पुत्र तिस्त के अध्यक्षता में हुई थी। और शासन कौन था? शासनकाल कौन किसका था? तो अशोक का। ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान कुंडलवल में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और प्रथम किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक। तो इससे रिलेटेड हम कि कौन सी जो चारों बौद्ध संगति है वो किस स्थान पे हुई थी, इससे रिलेटेड हम एक ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक क्या है? राजू अपनी साली और पुत्री के साथ कुंडल वन घूमने गया। क्या ट्रिक है? राजू अपनी साली और पुत्री के साथ कुंडल वन घूमने गया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक। तो क्या है? राजू अपनी साली और पुत्री के साथ कुंडल वन घूमने गया। तो राजू से हो गया राजगिरी, साली से हो गया वैशाली, पुत्री से हो गया पाटलिपुत्र और कुंडल वन से कुंडल वन। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, साली से वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगति पुत्री से पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में। ठीक है। तो इस प्रकार हम
इसको याद कर लेंगे कि राजू अपनी साली और पुत्री के साथ कुंडल वन घूमने गया। अब हम आते हैं शासन काल से रिलेटेड ट्रिक पे, ठीक। तो इसका ट्रिक क्या है कि आज काला अशोक कनिष्क है। क्या है कि आज काला अशोक कौन है, तो कनिष्क है। आज काला अशोक कनिष्क है, आज से अजात शत्रु, ठीक। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उस समय शासन काल कौन था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। काला से काला अशोक जो कि द्वितीय बौद्ध संगति है, अशोक से अशोक हो जाएगा जो कि तृतीय बौद्ध संगति है, और कनिष्क जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति है, किसके शासन काल में हुई थी, तो कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक, ठीक। तो घटना और प्रतीक से रिलेटेड हम यहाँ पे अभी देखेंगे पॉइंट्स को। तो जो जन्म की घटना थी उसका प्रतीक क्या था, कमल। गर्भ की जो घटना थी उसका प्रतीक क्या था, हाथी। निर्वाण की जो घटना थी उसका प्रतीक पदचिन्ह था। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या था, चक्र था। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या था, बोधि वृक्ष जो कि पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड। समृद्धि घटना का प्रतीक चिन्ह क्या था, शेर। मृत्यु जो घटना हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, स्तूप। गृहता की घटना को का प्रतीक चिन्ह, घोड़ा, ठीक। इस प्रकार हम घटना और प्रतीक के बारे में देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा वन लाइनर के फॉर्म में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी वन लाइनर है उनके बारे में हम लोग अब यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, ठीक। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, जो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा किसमें दी, तो जनसाधारण की भाषा पाली में दी थी। बुद्ध ने जो अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश सावस्ती में दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ठीक। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, ठीक, कुंडल वन में हुई थी, ठीक। तो उस समय जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई, तो त्रिपिटक के रूप में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध क्या है, बुद्ध चरित्र, तो उसके रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष है। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना किससे संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग की कल्पना जो है वो धम्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई, तो वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई, तो वैशाली में दी गई। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बुद्ध किसके राज्य काल में कौसाम्बी आए थे, तो बुद्ध किसके राज्य काल में कौसाम्बी आए थे, तो बुद्ध आए थे उदयीन के राज्य काल में, कौसाम्बी में आए थे। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है, तो महायान है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है, तो महायान है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो गंधार शैली में। गंधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तिसरा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा, तो बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा। तिसरा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया है, उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो राजगीर
राजगीर कहाँ पे है? बिहार में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है, जो कि बिहार राज्य में है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन थे। नागार्जुन ने क्या किया था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, तो कनिष्क कौन से बौद्ध संगति में था? चतुर्थ बौद्ध संगति के शासनकाल कनिष्क के द्वारा हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म एवं संघ शामिल है। क्या शामिल है त्रिरत्नों में बौद्ध धर्म के? बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण शासन काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। तो नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर बनवाया था? तो बिंबसार ने बनवाया था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बिंबसार ने बनवाया था। बुद्ध की जो 80 फीट ऊंची प्रतिमा है जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमीन देई स्तंभ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो रुमीन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी ऑनलाइनर फॉर्म में सभी क्वेश्चन को देख लिए। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।